दोस्तों, मेरे चैनल मिस्टर ब्लॉगर एमबी में तो आइए दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी जगह जो कि प्राचीन मंदिर है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि मैं किस मंदिर का जिक्र करूंगा, तो अभी हम रास्ते में हैं और रास्ते का खूब आनंद लेते हुए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मंदिर की तरफ जो कि बहुत ही प्राचीन है। हम लोग गाँव के करीब में पहुँच चुके हैं जहाँ पर मंदिर स्थित है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के गेट पर। ये देख सकते हैं कितना अच्छा गेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इस पूरा टाइल्स मार्बल लगा हुआ है और आप लोगों को मेन एंट्री ये है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड में मंदिर है, पूरब साइड में और पश्चिम साइड में, जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है। आपको मैं अंदर से दिखाऊँगा तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा है, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा जय शिव। तो भाई चप्पल जूता ही निकाल के हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे महाकाल जी हैं। तो आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर लग रहा है, बहुत ही अच्छा देखने में। इसकी ऊंचाई जो है लगभग यदि माना जाए तो 2 मंजिले के बराबर है, जो कि बहुत ऊंचा है। और अब मैं अंदर का दिखाता हूं आप लोग का दृश्य, जो कि आप लोग दृश्य देखते ही कमेंट भर दीजिएगा जय शिव से, जय शिव से। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बड़ा शिवलिंग है भाई, बहुत बड़ा है। आप लोग इस कारीगरी को देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुख्य मंदिर के सम्मुख ही एक और मंदिर है जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, तो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये मंदिर वो मंदिर लगभग एक ही समय बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। माना जाता है कि यह हजारों साल पहले का है, जो हजारों साल पहले यहाँ स्थित था यहाँ मूर्ति, अब धीरे धीरे यहाँ पर विकास होने लगा है। जो कि यहाँ मेला भी लगता है, अभी कुछ ही दिन पहले मेला लगा हुआ था, उस दिन हम आ नहीं पाए थे। तो फाइनली दोस्तों, हम ले चलते हैं उसके मुख्य मंदिर के सामने जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर। तो आप सब देख सकते हैं कितना ऊंचा चोटी है भाई साहब, देखने में तो आनंद ही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोगों को मंदिर दिख रहा है, माना जाता है कि यहाँ पर रानियाँ जल चढ़ाया करती थी, और जो मैं पहले आपको मंदिर दिखाया हूँ उसमें राजाओं जल चढ़ाया करते थे जो प्राचीन काल के थे। तो आप सब देख सकते हैं अंदर कितना अच्छा है, घंटी तो बजाना बनता है मेरे भाई। तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप भी घंटी दबा सकते हैं, तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए दबा के। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर 2 शिवलिंग है, जो कि वो सामने आपको दिख रहा है एक शिवलिंग, और यहाँ पर एक शिवलिंग है, जो कि यहाँ पर टोटली 2 शिवलिंग है। अब हम आपको बाहर के एरिया को दिखाते हैं, जो कि यहाँ चारों तरफ मूर्ति लगाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस मूर्ति को देख के दिल में कुछ अलग ही खुशी उत्पन्न हो रही है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलाकार जो है, जो इस मूर्ति का स्थापना किए हैं। ये मूर्ति जो आप लोगों को दिख रही है, ये कि दीवार में सम्मिलित है, न कि किसी एक स्थान पर रखा गया है। आप लोग एक दीवार जैसे होता है, दीवार पे बनाया गया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कलाकार होंगे जो इस मूर्ति को बनाए होंगे। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। तो भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ पे है मेरे दोस्त शुभम जायसवाल जी, हम दोनों साथ में गए थे, बहुत ही आनंद लिए उस मेले का और उस मंदिर का। आप लोग चारों तरफ व्यू देख सकते हैं, एक जो बहुत ही बड़े पैमाने पर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और हम ले चलते हैं आपको मेले में, तो देख सकते हैं दोस्तों ये आप लोगों को दिख रहा होगा मेला, जो कि पहले 2 दिन पहले ये लगा हुआ था, हम लोग 2 दिन बाद पहले पहुँचे हुए हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों, वहाँ पर गाना वाना चल रहा था, इसके वजह से मुझे आवाज़ को वहाँ ऐड नहीं कर पाया था, तो उसे बाद में ऐड करना पड़ा। और देख सकते हैं एक और मंदिर है, जो कि मुख्य मंदिर के जस्ट समीप बगल में है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर है भाई। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फटाफट, आप पे बजरंगबली की कृपा रहेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है बजरंगबली का, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आनंद वो भी बच्चे भी ले रहे हैं, तो आप सब भी आइए ना। तुम यह मंदिर जो है महाराजगंज जिले में, जो कि कटारा जंगल के समीप में स्थित है। इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।